अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बहुत प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। उसके लिए हमें जेपी चाहिए होगी। चौड़ाई में ये 3 इंच है और इस तरफ से लंबाई में उतना पीस लेंगे जितना कि ट्राउज़र का पांचा खुला होगा नीचे से। अब एक तरफ से इस तरह से गोल शेप ड्रा करनी है। इसके ऊपर हमने गोल शेप में एक साइड से इसको कटिंग कर लेना है और सेंटर में से अलहदा करके 2 पीस बना लेने हैं इसके, इस तरह से। अब इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा पीस कटिंग कर देना है बिल्कुल जेपी के साथ साथ। दोनों पीस कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हमें पाइपिंग करनी है। ये ब्लैक कलर का अरेब में कपड़ा मैंने ले लिया है। 1 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसकी पाइपिंग हमें इस तरह से लगानी है। बारीक सी सिलाई लगाएंगे, पाइपिंग वाला कपड़ा नीचे की तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ उतनी सिलाई लगाएंगे जितनी मोटी हमें पाइपिंग चाहिए हो। ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे, बारीक सी पाइपिंग। दोनों पीस के ऊपर इसी तरह से पाइपिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से हमने ब्लैक पीस को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ये बारीक सी पाइपिंग बहुत नीट हमारे पास बन जाएगी। पाइपिंग वाले कपड़े को नीचे की तरफ फिट करते हुए बिल्कुल ब्लैक पीस के साथ साथ हमने किनारे पर सिलाई लगा देनी है। दोनों पीस पे पाइपिंग करने के बाद ट्राउज़र पे हमें इस तरह से सेंटर में छोटा सा कट लगाना है। अब इन दोनों को इस तरह से सेंटर में रखते हुए सेट कर लेना है। बिल्कुल दरमियान में सेट करके पिन लगा के इसको फिट कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो बिल्कुल दरमियान में ही रहे, टेढ़ा ना हो जाए। पहले नीचे एक रफ सिलाई लगा के नीचे से इसको अटैच कर लेते हैं। अब ऊपर की तरफ बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है, जहां हमने पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर। इस तरह से दोनों पीस सेट आ जाएंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम नीचे की तरफ भी पाइपिंग करेंगे। नीचे जो पाइपिंग करेंगे वो थोड़ी सी मोटी पाइपिंग हमने करनी है। उसके लिए भी अरेब में मैंने ब्लैक कपड़ा ले लिया है। इसकी चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा है, 1.5 इंच है। ऊपर की तरफ पाइपिंग वाला कपड़ा रखेंगे और जितनी हमें मोटी पाइपिंग चाहिए उतनी सिलाई लगा लेंगे। अब इस पीस को हमने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है, नीचे से भी फोल्ड करेंगे और जो सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल ब्लैक पीस के किनारे पे लगाएंगे। और जो सिलाई हमें लगानी है वो बिल्कुल ब्लैक पीस के किनारे पे लगानी है। इस तरह से नीचे से भी फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ऊपर मैंने सेंटर में 2 बटन स्टिच कर लिए हैं। इसी तरह का डिज़ाइन आप बाजू पे भी बना सकते हैं। ये मैंने ट्राउज़र पे बनाया है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।